इंडिया में गेमिंग सेक्टर जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करता है। अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलने के शौकीन हैं, तो आपको बता दें अब ऑनलाइन गेम्स खेलने की कीमत बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि ऑनलाइन गेम्स पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 28% तक किया जा सकता है। दरअसल वित्त मंत्रियों की समिति मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी की सिफारिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक समिति की सभी सिफारिशें जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड होंगी, चाहे उन गेम्स में स्किल्स यूज होती हो या सिर्फ चांस के बेसिस पर हार या जीत होती हो। यानी सिर्फ गेम्स ऑफ स्किल्स और गेम्स ऑफ चांस जैसी गेम्स पर ही समिति अपनी सिफारिशें देगी। दिसंबर एंड में होने वाली बैठक में मंत्री समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स राइडिंग जैसी गेम्स पर टैक्सेशन का विचार करेगी। मंत्री समूह ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगाने का सुझाव जून में दिया था। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18% जीएसटी लगता है। सूत्रों ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जीएसटी काउंसिल को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।